अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। मोबाइल फ़ोन खसूसन स्मार्टफोन ने आज जहां लोगों की ज़िंदगियों को आसान, कम्युनिकेशन को फास्ट और स्मार्ट बना दिया है, वहीं पर इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई शख्स इस बात को समझने के लिए और इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होता कि ये दरअसल काम कैसे करता है, ये कितना सिक्योर है। इसके फ़ायदे तो बहुत हैं मगर इसके नुकसान क्या हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि दरअसल स्मार्टफोन एक चलता फिरता जासूस है जिसे हम हर वक्त अपने साथ खुद ही रखते हैं और जिस्म के एक हिस्से की तरह इसे एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा नहीं करते। लेकिन यही जासूस आपकी हर एक प्राइवेसी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करके इसका क्या क्या इस्तेमाल करता है, किस किस को बेच रहा है, आपको कुछ भी मालूम नहीं। वैसे तो दुनिया की मशहूर तरीन कंपनीज मसलन गूगल, फेसबुक और अमेजोन वगैरह लीगल तरीके से आपकी प्राइवेसी को ट्रैक करती रहती हैं। जब आप इनकी सर्विसेज को एप्लीकेशन की सूरत में इस्तेमाल करके खुद से अपनी लोकेशन, गैलरी, स्टोरेज और इन सब चीज़ों की असेस इनको खुद से देते हैं। मगर 17 इंटेलिजेंस इदारों की हालिया तहकीकती रिपोर्ट ने एक ऐसा नया हैरान कुन इंकशाफ किया है जिसके अंदर एक ऐसे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है जो कि आपकी इजाजत के बगैर आपके फोन में इंस्टॉल होकर इस पर मौजूद हर उस चीज का डाटा इकट्ठा कर सकता है जो कि आप खुद को फोन पर इस्तेमाल करते हुए पैदा करते हैं। सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपके फोन की सिक्योरिटी को ये तोड़ कर इसके अंदर घुस सकता है और ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर खुद से इंस्टॉल हो सकता है, जो आपके फ़ोन की हर एक इन्फॉर्मेशन मसलन पिक्चर, वीडियोस, मैसेजेस, माइक्रोफोन की असेस और कैमरा वगैरह की असेस, इन हर चीज़ों को हासिल कर सकता है बिना आपकी परमिशन के और बिना आपको इन्फॉर्म किए। स्पाईवेयर दरअसल एक ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को कहते हैं जो कि आपके फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर घुसकर बिना नज़रों में आए बैकग्राउंड पर रहकर आपका सारा डाटा इकट्ठा करते रहते हैं और बिना बताए आपकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस स्पाईवेयर कंपनी को भेजते रहते हैं, जिसके अंदर आपकी तमाम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शामिल हैं। द गार्डियन की इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कंपनी NSO ने एक ऐसा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसे पेगासस का नाम दिया गया है और ये सॉफ्टवेयर कई सालों से दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मशहूर शख्सियात के फ़ोन को हैक करके इन्फॉर्मेशन को चोरी कर रहा है, मगर आज तक इसे कोई भी मंजर आम पर नहीं लेकर आया। इसके साथ साथ कई मुल्कों को ये डिमांड के तौर पर बेचा भी जा रहा है, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, जिसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पुराने मोबाइल फ़ोन नंबर को इस सॉफ्टवेयर के जरिए स्पाई करवाया और अपने खुद के घर के अंदर भी 700 लोगों के मोबाइल फ़ोन के डाटा को चोरी किया और इनको स्पाई किया, यानी घर के लोगों की ही बिना बताए जासूसी करते रहे, जो कि प्राइवेसी को लेकर बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसलिए क्योंकि किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के जरिए किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम करवाने के लिए इस विक्टिम को किसी भी तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसराइल ने पिछले कई सालों से IT खसूसन साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसका नतीजा ये निकला कि NSO जैसी कई कंपनियाँ मैदान के अंदर आई जिन्होंने स्मार्टफोन, फिर चाहे वो एंड्रॉयड हो या IOS, दोनों के सॉफ्टवेयर के अंदर एक लूप होल का पता लगाकर अपनी मर्जी से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना शुरू कर दिए, जिसके किसी को खबर तक नहीं हुई। और इस मकसद के लिए ना तो किसी से कोई क्लिक करवाया गया, बल्कि ये खुद से उस विक्टिम के मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो गया। लूप होल दरअसल एक खला या कमजोर हिस्से को कहते हैं जिसके अंदर घुसकर तमाम इन्फॉर्मेशन या डाटा को इकट्ठा कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके घर की छत के अंदर कोई छोटा सा सुराख है और इसके अंदर कोई भी शख्स घुसकर आपके घर की सारी चीजें दरवाजा खोलकर चोरी करके ले जाता है या फिर घर के किसी कोने के अंदर छुपकर जासूसी करता है। बिल्कुल इसी तरह से मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद कोई होल या सुराख किसी भी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इसके अंदर घुसकर जासूसी करने का मौका फराहम करता है। इसीलिए बड़ी बड़ी टेक कंपनीज मसलन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ने बकायदा बाउंटी प्रोग्राम्स रखे हुए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स हमारी एप्लीकेशन की कमजोरियों को आइडेंटिफाई करें और हमसे इसके बदले में हमसे भारी इनाम हासिल करें ताकि हम अपनी इस एप्लीकेशन को मजीद सिक्योर और बेहतर बना सकें। NSO कंपनी का तैयार करता ये पेगासस सॉफ्टवेयर बिना किसी मदद के खुद ब खुद इंस्टॉल होकर किसी भी हर एक तस्वीर को और ईमेल को देख सकता है बिना आपको बताए, इवन कि आपके मोबाइल के माइक्रोफोन और कैमरा को ऑन करके किसी भी वक्त ना सिर्फ आसपास की चीज़ों को सुन सकता है बल्कि इन्हें रिकॉर्ड भी कर सकता है, फिर चाहे आप फ़ोन भी इस्तेमाल ना कर रहे हों। यह आपके मोबाइल फ़ोन के GPS यानी आपकी लोकेशन और स्क्रीन को रिकॉर्ड करके हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है और इस मकसद के लिए WhatsApp या Facebook जैसी कंपनीज जितना मर्जी सिक्योरिटी मेजर्स ले लें, वो इसको ट्रैक नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसकर ये जासूसी कर रहा है, ना कि किसी एप्लीकेशन के थ्रू। ये पेगासस स्पाईवेयर ना सिर्फ एंड्रॉयड बल्कि सिक्योर तरीन समझे जाने वाले IOS के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, मगर ये दोनों इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते और आपकी हर एक प्राइवेसी को दुनिया के सामने मंजरे आम पर ले आते हैं।
इसीलिए इन्हें किसी भी लिंक या पोस्ट पर आपको क्लिक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये जीरो क्लिक अमेजिंग स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फोन को टेबल पर पड़े पड़े आसानी से हैक कर सकता है। ये वो सब कर सकता है जो कि आप अपने फोन के साथ करते रहते हैं। दुनिया के कई मुल्क इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपने ही मुल्क के लोगों को स्पाई कर रहे थे, जिस पर अल जजीरा ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की और इसराइली अदालत के अंदर NSO के खिलाफ केस भी पेश किया, मगर इसने इसे सुने बगैर ही एक रबड़ अदालत की तरह इस केस को खारिज कर दिया। क्योंकि इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री की इजाजत के बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर को ना तो बेच सकता है और ना ही इसके डाटा को, इसीलिए इसराइली अदालत अपने ही मुल्क के खिलाफ एक्शन लेकर अपनी दुनिया भर के अंदर जगह सही नहीं करना चाहती। क्योंकि इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के अंदर इसराइल को पहले भी स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आपको इससे फिक्रमंद होने की जरूरत है, और दूसरा ये कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत है, मगर सिर्फ इस वक्त जब आप कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई मशहूर शख्सियत हो, मसलन किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल, कोई अहदेदार या कोई सहाफी या वकील वगैरह, जिसे दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियां ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कर सकती हों और इन्हीं लोगों के जरिए आपके मुल्क की राज और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर के जरिए चुराई जा सके। वरना लाखों डॉलर लगाकर निब्बा निब्बी की कन्वर्सेशन पढ़ने के लिए कोई भी इनके फोन को हैक करने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपको अपनी प्राइवेसी के बहुत ही ज्यादा कंसर्न है और आप चाहते हैं कि वो किसी के सामने भी शो ना हो, तो इसका सबसे बेहतर इलाज यह है कि आप स्मार्टफोन की बजाय सिंपल फोन को इस्तेमाल करें, और अगर आपका स्मार्टफोन रखना मजबूरी भी है तो इसके अंदर कोई सिम कार्ड इस्तेमाल ना करें। आप पहले से ही अपने फोन के अंदर मौजूद एप्लीकेशंस को, अपने कैमरा, माइक्रोफोन, GPS और स्टोरेज जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अलाउ एसेस करके इन कंपनीज को ये खुली छुट्टी दे देते हैं कि वो जब चाहें आपकी इजाजत के बगैर इन डाटा को इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसे वैसे तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर इकट्ठा करती हैं ताकि इन एप्लीकेशंस को मजीद सिक्योर और अपडेट करके इसे एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकें, जो कि वैसे तो लीगल वे के अंदर आता है, लेकिन वो इस डाटा का क्या करते होंगे वो हम सभी जानते हैं। अब ये मोबाइल कंपनीज की जिम्मेदारी है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को इतना अपग्रेड करें और इतना सिक्योर बनाएं कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी भी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी सिक्योरिटी को तोड़कर इनके सिस्टम के अंदर दाखिल ना हो सके, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये स्मार्टफोन कंपनीज अवाम के अंदर अपना भरोसा बिल्कुल खो देंगी, जो कि लाखों रुपए के फोन हर साल अपग्रेड के नाम पर बेच रहे हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz. With just a single text, it can bypass your phone's security and install spyware that grants complete access to your device. It can turn on your camera, it can record what's on your screen, it can access your GPS. The spyware technology that makes this possible is called Pegasus.